गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आपके सामने लाए हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, और इवन जब आप बड़ी क्लासेस में भी जाते हैं तो ये टॉपिक आपको हर जगह पे काम आता है, दैट इज स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट एक दो ऐसे टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस पर मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। तो कैसे क्या है स्क्वायर रूट, पहले हम इसको समझेंगे। तो आपको मैं उससे पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। हमें पता है कि अगर मैं लिखता हूँ x टू दी पावर, इसको मैंने लिखा x, इसको तो इसको मैं लिख सकता हूँ x रेस टू दी पावर 1 अपॉन n। इससे पहले एक चैप्टर होता है एक्सपोनेंट, उस पर पढ़ाया जाता है एक्सपोनेंट में ये, यानी x यहाँ n है तो इसका मतलब है x रेस टू दी पावर 1 अपॉन n। मान लीजिए यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब है x टू दी पावर 1 अपॉन 4, और अगर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर x2 क्यूब है तो ये आ जाएगा x 1 अपॉन 3, और ये अगर मान लो यहाँ पर 2 है लेकिन ये 2 लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता, तो दिस इज x, सो ये आ जाएगा x रेस टू द पावर 1 अपॉन 2। अब दिक्कत ये है कि क्या है इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, आप समझे इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 25, मैं लिख रहा हूँ 25 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जहां पर कुछ नहीं होता है इट मीन्स वहां पर 2 होता है, वहां पर अंडरस्टूड है वहां पर 2 है, क्योंकि 2 से बड़े को मेंशन करा जाता है, जैसे 3 को यहाँ पर मेंशन किया जाता है, फोर्थ रूट को यहाँ पर मेंशन किया जाता है, फिफ्थ रूट को यहाँ पर मेंशन किया जाता है, और सिक्स रूट, nth रूट, दिस इज nth रूट, दिस इज फोर्थ रूट, दिस इज क्यूब रूट। ये क्या है, ये आपका nth रूट है, ये आपका क्या है nth रूट है, ये आपका क्या है फोर्थ रूट, ये आपका क्या है फोर्थ रूट है, ये आपका क्या है क्यूब रूट, ये आपका क्या है क्यूब रूट, एंड दिस इज स्क्वायर रूट, दिस इज स्क्वायर रूट, सो स्क्वायर रूट है। सो इट मीन्स व्हाट, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाता 2 है, ये याद रखना आप लोग, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जिस तरीके से इसको लिखा है उसी तरीके से इसको, कि आपको कहीं डाउट ना हो कि ये 1/3, यहाँ से 3 आया तो यहाँ पे 2 है इसलिए 1/2 है, तो जैसे 25 है, सो इट मीन्स व्हाट, अगर आप 25 के फैक्टर करते हैं तो 5 into 5, तो ये आ जाएगा आपका, वैसे बेसिकली 25 का मतलब क्या हुआ आप इसको ऐसे समझिए, पहले 25 का मतलब मैंने बता दिया तो आपको कि 25 की पावर 1/2, ये है इसका मतलब, अगर इस तरीके से आप समझेंगे तो x की पावर 1/2, तो x की जगह 25 और इसका मतलब है स्क्वायर रूट 1/2, सो दिस इज 1/2, सो दिस 25 कैन बी रिटन एज 5 into 5 and this is 1/2, so 5 into 5 means 5 का square and this is 1/2 and we know that कि power का power आपस में multiply हो जाता है, so therefore this is 2 into 1/2, so 2 से 2 cancel हो जाएगा, this is 5, so it means what, so the square root of 25 is 5, the square root of 25 is 5, यानी 25 का square root क्या है 5 है, लेकिन ये इस तरीके से समझने के लिए कि क्या है ये, किस तरीके से स्क्वायर रूट निकलता है, हम लोग निकालते कैसे हैं वो अलग है, निकालते हम दूसरे तरीके से, निकालते हम कैसे, प्रोसेस यही होती है उसमें, लेकिन जैसे अगर मैं आपको सिंपल स्क्वायर रूट का क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप कैसे करते हैं इसको, आप ऐसे करते हैं इसको कैसे 25, तो 5 into 5 आपने लिखा और आपने यहाँ पे क्या कर दिया दैट इज 5 का स्क्वायर, और तब आपने कहा जी इसका स्क्वायर रूट कितना है 5, यानी आपने कहा 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5, पर एक्चुअली में ये जो 2 है ये कट तक आया, वो यहाँ कटता है, उसके जो कटने की प्रोसेस है वो ये है कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो ये 2 से 2 कट जाता है, इसलिए सिर्फ 5 ही बचता है फिर, सो इट मीन्स व्हाट, इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको क्यों बताया, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको जिस भी रूट से बाहर आना है, जैसे आपको क्यूब रूट से बाहर आना है तो 3-3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, फोर्थ रूट से बाहर आना है तो जोड़ा 4-4 का बनना चाहिए, ऐसे अगर स्क्वायर रूट से आपको बाहर आना है तो आपका स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्क्वायर में बनना चाहिए। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जांपल हैं, 36 हम लेते हैं, 36 का स्क्वायर रूट अगर मुझे निकालना है तो 36 का स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगा तो पहले मैं 36 के अगर फैक्टर करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 18, फिर मैंने करा 2 9 18, then 3 3 9 and this is 3 1 3, so it means what, the factor of 36 we have this time is 2 into 2 into 3 into 3,
ये फैक्टर आ गए इसके, तो ये कितना हो गया, दिस इज, ये हो जाएगा आपका 2 raised to the power 2 एंड 3 raised to the power 2। सो फाइनली यू हैव, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3, सो द स्क्वायर रूट इज 6, स्क्वायर रूट इज, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। बट एक्चुअल में ये इस प्रोसेस से सॉल्व होता है, इस प्रोसेस से, लेकिन हम स्क्वायर रूट में इस तरीके से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और ले रहा हूं आपके सामने, आप इनको देखिए और आपको और ज्यादा क्लियर होगा स्क्वायर रूट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन जो है दोनों मल्टीप्लीकेशन मेथड और डिविजन मेथड दोनों से कराऊंगा ये क्वेश्चन आपको। तो आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको दिखेगा ये कितना है, मान लीजिए 11025। सो मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं दो तरीके होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। द फर्स्ट वन इज दिस मेथड विच इज नोन एज द फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, इसमें फैक्टर करके दो दो चुके जोड़े बनाते हैं और आपका स्क्वायर रूट निकल जाता है। बट व्हेन वी हैव अ डिफिकल्ट नंबर, कैन यू से दैट व्हेन यू हैव अ वेरी लार्ज नंबर, सो इट इज वेरी क्वाइट डिफिकल्ट टू फैक्टराइज दैट वन ना, सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर गोइंग टू अप्लाई द डिविजन मेथड। तब हम क्या अप्लाई करते हैं, डिविजन मेथड अप्लाई करते हैं। सो मैं आपको फैक्टर मेथड भी और डिविजन मेथड दोनों से इसको बता रहा हूं। सो व्हाट अगर आप इसके फैक्टर करते हैं, बिकॉज एंडिंग विद 5, सो मस्ट बी 5, इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ये रूल आपको पता है। सो 5 2 10, 5 2 10, सो 1 यू हैव 5 2 10, 5 2 10, 1, 5 2 10, एंड देन 25, सो 5 5 25, देन 5, 5 4 20, एंड देन 5 4 25, सो 5, अब आपके पास कितना आ गया, दैट इज 3 से करें अगर आप, 3 1 3, 3 1 3, 1 4, 3 4 12, देन 2 3 7 21, देन 3 से फिर करें आप, 3 4 12, 3 4 12, एंड 2 3 9 27, देन 7 7 49, एंड 7 1 7, सो इट मीन्स व्हाट, सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ, यू वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 11025, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 5 × 5, 3 × 3, × 7, × 7, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको आप लिख सकते हैं क्या, दिस इज 5 square, दिस इज 3 square, एंड दिस इज 7 square, सो 5 square 5, 3 square 3, एंड 7 square 7, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट यानी यहाँ पे 2 है, इसको बाहर आने के लिए आपको दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे, तो 5 का जोड़ा बन गया बाहर, 3 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसमें दो जोड़े बन रहे हैं और एक जोड़ा नहीं बन रहा, तो वो अंदर ही रहेगा स्क्वायर रूट के, तो वो बाहर नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 5 3 15, और 15 7 जा, 5 3 15 7, सो 15 7 105, सो योर स्क्वायर रूट इज 105। सो दिस इज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। नाउ बाय द डिविजन मेथड, इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन विद द डिविजन मेथड, सो व्हाट वी कैन डू, सो दिस टाइम इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन विद डिविजन मेथड, सो अब इसको अगर हमें डिविजन मेथड से सॉल्व करना है, तो मैं लिखूंगा 1 1 0, एंड दिस इज 2 5। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट होता है पियरिंग, तो पियरिंग कैसा होता है, डबल डबल जोड़े बनते हैं, पीछे से स्टार्ट करना है, स्क्वायर रूट का रूल है कि पियरिंग पीछे से शुरू होगी, कुछ बच्चे आगे से कर देते हैं, गलत तरीका है, पीछे से जोड़े बनाने हैं, पहले एक जोड़ा फिर एक जोड़ा, और ये अकेला रह गया कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने दो उसको अकेला। अब आपको करना क्या है, इसमें टेबल पढ़ते हैं, सबसे पहले टेबल पढ़ते हैं, और टेबल पढ़ने का भी इसका एक तरीका है, तो क्या तरीका है वो मैं बता देता हूं आपको, 1 1 जा 1, एंड देन 2 2 जा 4, एंड देन 3 3 जा 9, एंड देन 4 4 जा 16, एंड देन 5 5 जा 25, एंड देन 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, एंड 10 10 जा 100, ये दिस इज द वे, इस तरीके से आप टेबल पढ़ेंगे। तो अब आपको क्या करना है, 1 1 जा, क्योंकि यहाँ तो सिंगल ही है, ये जोड़ा अलग है ये जोड़ा अलग है, तो 1 1 जा 1, ये आपने लिख दिया। अब इसकी एक विशेषता होती है स्क्वायर रूट की, जो 1 आपने यहाँ लिखा वही 1 यहाँ पर लिख के इसके साथ ऐड कर दीजिए, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा, दैट इज 2 हो जाएगा।
वन प्लस वन टू करा आपने, यानी इनको ऐड करना है आपको, किसको, दिस इज, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। वन प्लस वन टू आपने कर दिया, तो अब आपने क्या करा है, जोड़ा उतरता है इसमें पूरा, ये भी ध्यान रखना है आपको कि जोड़ा उतारना है, पूरा पियर उतरता है, पियर का पूरा पियर उतरेगा। तो टेन उतारा आपने, तो आप देखें क्या आपको, अब आपको नॉर्मल टेबल पढ़ना है। तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, यानी ये वाला टेबल आपको फर्स्ट स्टेप में पढ़ना है, बस ध्यान रखना। तो टू फाइव जा टेन, अगर मान लो मैं फाइव भी लिखता हूँ, यहाँ पे फाइव लिखता हूँ, तो फाइव ट्वेंटी फाइव, फाइव जा वन ट्वेंटी फाइव, तो मेरा डिवाइड नहीं हो रहा है। सो इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये नहीं जा रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, एक जोड़ा और उतारेंगे, लेकिन एक शर्त है, जब आपको डबल पियर उतारना है तो आपको एक जीरो यहाँ गिफ्ट देना पड़ेगा और एक जीरो यहाँ गिफ्ट देना पड़ेगा, ठीक है। जो आपने यहाँ पर दिया वही आप गिफ्ट यहाँ भी देंगे। तो ये जीरो क्यों नहीं मिला ये गिफ्ट, क्योंकि भैया आपको ये डबल एंट्री करवानी है, तो आपको एक जीरो यहाँ पर लगाना पड़ा। तो अब आपने क्या करा, दिस इज, अब आपको अलाउ कर दिया उन्होंने कि आप ये पियर को भी नीचे उतार दीजिए। अब ना, अब ट्वेंटी का टेबल पढ़ लीजिए, टू का ही पढ़ लीजिए, टू फाइव या टेन, टू फाइव या टेन, तो फाइव यहाँ भी लिखेंगे आप और फाइव यहाँ भी लिखेंगे। अब करेंगे फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव, फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव, जीरो का जीरो तो कैरी आएगा टू, एंड देन फाइव टू या टेन, so therefore what, so now the square root is 105, so the square root of 110 and then 25 is, so iska square root kitna aa gaya aapke paas, that is 105. so this is the way how can we find the square root, a very important topic hai. to bachcho aapko pasand aaya hoga aur aapko acha laga, thank you।